हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। उसको जाने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट मींस हम लोग जानते हैं ना, चलो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, रेलवे है, सॉरी ट्रेन रेलवे तो सेम चीज है, टेम्पो है, अप्पे है, साइकिल है, बाइक है, एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मींस व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट? किसी चीज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट। अब बात आई है सेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जिसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, या किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है सेल से बाहर, या तो टुवर्ड द सेल या इस आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो क्या रहा है, मैं चीजों को थोड़ा समझते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमको उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाते हैं हमारे खाना खाने के बाद आगे स्टमक या इंटेस्टाइन में। Is it clear? I repeat, the process of movement of any substance from blood to cell or from cell to blood, this is called cellular transport. कोई भी substance होगा, hormone होगा, enzymes होगा, हमारे body में release होते रहते हैं, वो भी movement करते रहते हैं लगातार। अब ये जो transport है, इसको तीन प्रकार से, अगर मैं कहने की बात समझे, this is three types, this is the passive transport, active transport, and third one is the facilitated transport. I repeat, first one is passive transport. Second one is active transport and third one is the facilitated transport. This is what is the transport system. आपको transport system समझने के लिए एक word समझना होगा, जिसे concentration gradient. आपको समझना होगा concentration gradient. आप इसको यू समझिए, what is the concentration gradient? इसका मतलब होता है कि high से low की ओर जाना, high concentration से low की ओर जाना। आप यू समझिए, आप example समझिए कि आप एक first floor पे बैठे हुए हैं और आप से नीचे वाले फ्लोर से, ग्राउंड वाले फ्लोर से आपको पानी ऊपर खींचना है। ठीक है, अब देखिए एक टंकी ऊपर रखी हुई है पानी की, एक टंकी नीचे रखी हुई है, ऊपर वाली टंकी से पानी नीचे जाना है और नीचे वाले से ऊपर लाना है, दोनों को मैच करना है। जब हम ऊपर वाली टंकी से पानी नीचे गिराना होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा, बस टंकी लगा कर नल खोल देंगे, पानी ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, क्योंकि ये टूवर्ड्स द, दिस इज कॉल्ड टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी हमें इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, हम बस नल ऑन करेंगे, पानी अपने आप नीचे गिरेगा, हमें बस नीचे बाड़ी लगाना, इट इज द टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जब हमको नीचे से पानी ऊपर भेजना होगा तो अब हम नल खोलेंगे तो पानी ऊपर तो नहीं जाएगा, अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी होगी। अब जब ये एनर्जी ऊपर हम लगाएंगे, टुल्लू लगाएंगे, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मोटर, जब हम टुल्लू लगाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो हम एनर्जी खर्च करेंगे, और जब एनर्जी खर्च करेंगे दिस इज कॉल्ड अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम लो टू हाई, क्लियर, फ्रॉम हाई टू लो दिस इज द टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड फ्रॉम लो टू हाई दिस इज कॉल्ड अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ इट इज क्लियर। अब ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है सेलुलर, वो तीन प्रकार से होता है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो है टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई टू लो, एंड एक्टिव है दिस इज अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपोजिट एंड फैसिलिटेट, सॉरी एक्टिव एंड फैसिलिटेट दोनों जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दोनों हमारा अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इन तीनों में डिफरेंस है, जैसे पहले वाले में पैसिव में हमें ऑटोमेटिक पार्टिकल का मूवमेंट हाई से लो की ओर होता ही होता है, इसके लिए हमें किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो पैसिव का डेफिनेशन ही है, इट इज द टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, क्लियर, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? Diffusion, it is the movement of particle from high concentration to low concentration. There is no use of any membrane from high to low. Lekin jab hum kisi movement ka particle ka movement high se low karte across the membrane, it is a special membrane called semi-permeable membrane. ठीक है? तो हमारे जो body की cell, वो cell का जो outer surface वो बना है cell, जो cell
और सेलुलोज जो होता है वो खुद एक SPM की तरह बिहेव करता है, सेमी मेम्ब्रेन। इट मींस क्लियर? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जब हाई से लो हो रहा है ऑटोमेटिक, दिस इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। एंड व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट विद SPM सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर? सेकंड मीन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था कि बाल्टी नीचे है, टंकी ऊपर है। दिस इज द अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। अब हमें एनर्जी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। एक्टिव का मतलब ही होता है एनर्जी, यानी कि इट इज द अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट वन इज फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड क्या होता है? जैसे कि हमको मान लीजिए कि पानी नीचे से ऊपर ले आना है और एनर्जी लगेगी, लेकिन हमारे पास मोस्ट मशीन टुल्लू नहीं, मोटर नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, बाल्टी में रस्सी बांधेंगे, रस्सी से बाल्टी बांधेंगे, सॉरी, नीचे गिराएंगे और पानी भर के ऊपर ले आएंगे। अब जो रस्सी और बाल्टी है वो कैरियर है। कैरियर मतलब वो हेल्प कर रहा है हमें, एनर्जी भी खर्च हो रही है ऊपर खींचने में, एनर्जी भी लग रही है, एक कैरियर मिल गया जो उसको ऊपर ला रहा है। तो फैसिलिटेटर में क्या होता है, हमें कैरियर मिल जाता है। कैरियर कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई प्रोटॉन पंप हो सकता है, जो कैरियर उस सब्सटेंस को बाइंड करके उसको पकड़ करके ऊपर लाने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी कि सेल के बाहर कोई ड्रग पार्टिकल सेल के बाहर है, तो कोई प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन, ये मान लिया हमने ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में इसको बाइंड किया और प्रोटीन इसके अंदर लाके इसको छोड़ के बाहर निकल गया। जैसे आपने पढ़ा होगा इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन एक क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैरियर, वो शुगर के मॉलिक्यूल को पकड़ता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर डालता है और इंसुलिन को बाहर निकलता है। तो इंसुलिन कैरियर है, इसीलिए इंसुलिन कमी से हमको डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन नहीं होते पड़े। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार का। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, लो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टू लो टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। एक्टिव अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। फैसिलिटेटेड अपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी बट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैरियर। दिस इज द ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थैंक यू सो मच। Thank you.